नमस्कार, मैं विशाल कुमार और आप देख रहे हो बी मिशन टीवी यूट्यूब चैनल को। आज हम आपके बीच एक सबसे ज़्यादा बड़ी खबर को लेकर हाजिर हुए हैं। बड़ी खबर के साथ साथ एक महत्वपूर्ण विषय पर भी बातचीत करेंगे। बड़ी खबर बसपा सुप्रीमो मायावती जी से जुड़ी हुई है। बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने यूपी चुनाव 2022 जीतने के लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ा प्लान बना लिया है। बसपा सुप्रीमो मायावती जी यूपी चुनाव 2022 को लेकर बहुत ही ज़्यादा सख्त हैं और एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा रण तैयार कर लिया है बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने। आखिर क्या कुछ बड़ा रण तैयार किया है, आखिर कैसे जीतेंगे यूपी चुनाव 2022, आखिर क्या कुछ प्लान बनाया है, आखिर क्या कुछ बसपा सुप्रीमो मायावती ने बड़े बदलाव किए हैं, आज की इस वीडियो में पूरा मामला विस्तार से समझाएंगे। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि चंद्रशेखर आजाद से क्या कुछ बड़ी अपील की गई है बहुजन समाज के बहुत ही ज़्यादा बड़े मिशनरी युवा द्वारा। आप बने रहिए इस वीडियो में, इस वीडियो को करिए ज़्यादा से ज़्यादा, सभी खबरों को विस्तारपूर्वक आइए हम आपको समझाते हैं। सबसे पहली खबर बसपा सुप्रीमो मायावती से जुड़ी हुई है। साथ में मेन पॉइंट से हम आपको मामला समझाने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता ही है, कुछ दिनों पहले यूपी चुनाव 2022 की मतगणना समाप्त हुई है, यानी कि 2 मई को मतगणना समाप्त हुई। करीब 3-4 दिन मतगणना चली, 2 मई को शुरुआत हुई मतगणना की। और उससे पहले जो कि बसपा के जो बैनर तले जो चुनाव लड़ना चाहते थे, जो भी उम्मीदवार थे, वो लगातार मैदान में उतर कर मेहनत किए। साथ ही यूपी चुनाव जो पंचायत चुनाव उसमें बसपा ने काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन किया है। और बसपा सुप्रीमो मायावती जी का ये भी कहना था कि बसपा से जो निर्दलीय बिना जो निर्दलीय जो चुनाव लड़े हैं, जो बसपा से ताल्लुकात रखते थे, बसपा से बेशक उनको टिकट नहीं मिल पाई किसी कारणवश, पर वो निर्दलीय लड़े हैं, वो भी बसपा को ही सपोर्ट करते हैं। साथ में बसपा ने यूपी पंचायत चुनाव में बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन किया है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती इससे काफ़ी ज़्यादा संतुष्ट हैं। यूपी पंचायत चुनाव का रिजल्ट आने के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने बहुजन समाज पार्टी में बहुत ही ज़्यादा बड़े फेरबदल करना शुरू कर दिए। जिस तरीके से यूपी पंचायत चुनाव में कई जिला अध्यक्षों पर ये आरोप लगाए गए थे कि कई उम्मीदवारों से पैसे लिए पर एक कोई टिकट दी, और कई लोगों से पैसे लिए पर टिकट किसी और को दी और जिसको देनी थी उसको नहीं दी, इसीलिए उस जगह से बसपा हारी। तो इस पर भी मायावती ने काफ़ी ज़्यादा नज़र रखी थी और तमाम जिला अध्यक्षों को बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने यूपी चुनाव 2022 की मतगणना के बाद हटा दिया, तमाम पदाधिकारियों को हटा दिया, तमाम पदाधिकारियों को बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दे दी। ये सब बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने यूपी पंचायत चुनाव के बाद किया। ये इसीलिए किया क्योंकि अगले साल यानी अब 21 चल रही है 22 में यूपी का 2022 जो विधानसभा चुनाव है उसमें बीएसपी सुप्रीमो मायावती चाहती हैं कि बसपा किसी भी तरह अपना राज हासिल करे, अपना राज स्थापित करे यूपी चुनाव 2022 में। इसीलिए बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी यूपी चुनाव 2022 को लेकर सख्त हो गई हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बड़े बड़े प्लान बनाने शुरू कर दिए हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी किसी भी प्रकार से ये नहीं चाहती कि बसपा यूपी चुनाव 2022 में किसी से पीछे रहे, यानी कि ये चाहती आगे रहे। इसीलिए हर एक कार्यकर्ता हर एक पदाधिकारी पर नज़र रखी जा रही है बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी द्वारा पंचायत चुनाव के बाद। तो साथियों अब एक और बड़ी खबर के ओर रुक कर लेते हैं। एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा सर्वे किया गया है जो कि 1,70,000 लोगों ने उसमें वोट किए हैं। एक बड़ा सर्वे किया गया है नेट के यूट्यूब पर, अंबेडकर पीपल्स वॉइस चैनल द्वारा ये सर्वे किया गया है। उन्होंने एक सवाल खड़ा किया था समाज के व्यक्तियों द्वारा, तमाम व्यक्तियों द्वारा, क्या पंचायत चुनाव के नतीजों ने यूपी से 2022 में बीजेपी की विदाई तय कर दी है, जो कि आप लगातार स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसमें आप साफ साफ देख सकते हैं, उन्होंने पूछा कि क्या पंचायत चुनाव के नतीजों ने यूपी से 2022 में बीजेपी की विदाई तय कर दी है। तो इसमें करीब 84% लोगों ने ये बोला कि हाँ बीजेपी जाएगी, और 12% लोगों ने बोला कि नहीं जाएगी, और 3% लोगों ने बोला कुछ कह नहीं सकते। साथियों जिसका पल्ला भारी उसी की ज़्यादा बात मानी जाएगी। करीब 1,70,000 लोगों ने वोट किया, उसमें करीब 84% लोगों ने ये बोला कि हाँ सच में बीजेपी जाएगी। तो साथियों इस पर आप क्या सोचते हो, हम भी आपसे यही सवाल पूछते हैं, क्या पंचायत चुनाव के नतीजों ने यूपी से 2022 में बीजेपी की विदाई तय कर दी है। ये साथियों हम आपसे सवाल पूछते हैं, कमेंट अपनी
राय देना। साथियों हालांकि हम आपको बताने की कोशिश करें, समाजवादी पार्टी ने भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन किया है, पर बहुजन समाज पार्टी भी किसी से कम नहीं रही है पंचायत चुनाव में। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि पंचायत चुनाव में 2022 जीतने का अनुमान कोई पार्टी ना लगाए। जो भी अगर BSP सुप्रीम मायावती ने जो बोला कि निर्दलीय जो लड़े थे उसमें ज़्यादातर BSP को सपोर्ट करने वाले थे, तो 2022 में बसपा के जो बड़े बड़े लोग हैं वो ये कह रहे हैं 2022 में बसपा आ सकती है। आप अपनी कमेंट में राय देना क्या 2022 में बसपा आ सकती है। अब बात कर लेते हैं कि भीम आर्मी प्रमुख व आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद को एक बहुजन समाज के बहुत ही ज़्यादा बड़े मिशनरी युवा ने क्या कुछ बोला है। साथ ही हम आपको बता दें, मोनू गौतम नाम के जनपद हाथरस से आने वाले युवा ने बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात बोल दी है। इस पर बहुत ही ज़्यादा बड़ा बवाल सा भी लग रहा है और कई लोग इनकी बातों की सहमति भी जता रहे हैं। इन्होंने क्या कुछ बड़ी बातें बोली है हम आपको बता रहे हैं, लगातार आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। मोनू गौतम ने अपने फेसबुक अकाउंट से पोस्ट करते हुए बोला कि भीम आर्मी एक संगठन है जो दावे कुचले लोगों को सम्मान देने का काम करती है। हमको आशा थी कि यह RSS से टकराएगी, लेकिन अफसोस जब हुआ कि चंद्रशेखर भाई ने BSP के खिलाफ इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो साथ में उनका कहना है कि BSP के खिलाफ जो इस्तेमाल करना शुरू कर दिया भीम आर्मी का, इसका अफसोस मोनू गौतम कर रहे हैं। तो इस पे कई लोग सहमति भी जता रहे हैं, कई लोग मोनू गौतम पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। तो साथ में इस पर आप अपनी कमेंट में राय देना क्या मोनू गौतम ने सही बोला या गलत, अपनी कमेंट में राय देना। आगे बोला है इसीलिए वोट फॉर BSP, यानी कि हम वोट इसीलिए हम BSP को ही देंगे क्योंकि BSP के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया भीम आर्मी, ये मोनू गौतम ने बोला है। अगर सच में भीम आर्मी बहुजन समाज हितेशी है तो 22 का विधानसभा का चुनाव ना लड़के बसपा को समर्थन करे, क्योंकि आज़ाद समाज पार्टी अभी मात्र वोट काट सकती है, सरकार नहीं बना सकती। तो साथ ही इस बारे में भी आप अपनी कमेंट में राय देना, इन्होंने जो बोला कि 22 में ESP चुनाव ना लड़े और बसपा का समर्थन करे भीम आर्मी ESP, क्योंकि ESP इस समय सीट सरकार नहीं बना सकती, वोट काट सकती। इस पर आप क्या कहना चाहोगे कमेंट में अपनी राय देना। हमने आपके बीच बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बातचीत की, आप इस बारे में अपनी कमेंट में राय देना। कुछ लोग ये भी बोलेंगे ज़्यादा बड़ी वीडियो है, पर हमने आपको विस्तार पूर्वक समझाया, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण विषयों पर बातचीत की, तो वीडियो तो लंबा होगा। मोनू गौतम की इस बातों पर आप अपनी कमेंट में राय देना, क्या 22 में किसकी सरकार बनेगी ये भी आप अपनी कमेंट में राय देना। वीडियो कहाँ से देख रहे हो ये भी आप अपनी कमेंट में राय देना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और बहुजन समाज की प्रमुखता से खबर दिखाने वाले बी मिशन TV चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। जय भीम। जय भारत।